अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो आपके पास है इनहिबिटर्स। अब ये जो लफ्ज़ इनहिबिटर्स है ये इनहिबिट से निकला है। इनहिबिट का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को स्टॉप करना या रिस्ट्रिक्ट करना। तो इनहिबिटर्स केमिस्ट्री की ज़बान में या केमिकल्स की ज़बान में या बायोलॉजी की ज़बान में जो इनहिबिटर्स हैं ये कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो सकता है जो कि सब्सट्रेट को रिप्लेस करेगा और एंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा लेकिन प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। दोबारा से देख लेते हैं इनहिबिटर्स क्या हैं। ये जो इनहिबिटर्स हैं ये इनका जो लफ्ज़ ही मतलब बनता है, ये लफ्ज़ जो है ये इनहिबिट से निकला है। और इनहिबिट का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को स्टॉप करना या रिस्ट्रिक्ट करना। तो इनहिबिटर्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि सब्सट्रेट को रिप्लेस कर देगा और सब्सट्रेट को रिप्लेस करने के बाद एंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा लेकिन प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? इनहिबिटर्स बोल देते हैं। तो आपके पास जो इनहिबिटर्स होते हैं इनकी बहुत सारी टाइप्स हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो इनहिबिटर्स हैं ये एंजाइम के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं ये देखेंगे। एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है, सपोज कर लें कि ये आपके पास कोई एंजाइम है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, ये जो डिप्रेशन से आपको नज़र आ रहा है। तो कोई भी जो इनहिबिटर है वो आके क्या करता है? एंजाइम की इस एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगा। सपोज कर लें यहाँ पे अगर सब्सट्रेट पड़ा हुआ है, ये क्या है? ये सब्सट्रेट है और ये क्या है? इनहिबिटर है। आई एस ए इनहिबिटर और ऐसे सब्सट्रेट। तो ये देखेंगे ये आपके पास एंजाइम है और ये इसकी एक्टिव साइट है। और अगर यहाँ पे इनहिबिटर आए और एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दे तो ये जो सब्सट्रेट पड़ा हुआ है, ठीक है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो ये जितनी भी तरह के इनहिबिटर्स होते हैं ये एंजाइम की एक्टिव साइट को टेम्परेरी ब्लॉक करते हैं या हमेशा के लिए ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से सब्सट्रेट जो है, ठीक है, अपनी साइट के साथ बाइंड नहीं हो पाता और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो आपके पास जो इनहिबिटर्स की एग्जांपल्स हैं वो आपके पास पॉइजन्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं और एंटी मेटाबोलाइट्स हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास दो तरह के इनहिबिटर्स आ जाते हैं। पहले नंबर पे आते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर और दूसरे नंबर पे आ जाते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। अब ये जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर है ये कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस होगा जो कि केमिकल रिएक्शन को स्लो करेगा। तो पहले तो ये देखने के इरिवर्सिबल का क्या मतलब बन रहा है। इरिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि ये वो वाला इनहिबिटर है जो कि एंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा और उसके साथ परमानेंटली बाइंड हो जाएगा और उससे अलग नहीं होगा, जिससे ये क्या कर सकता है कि एंजाइम की परमानेंटली जो सब्सट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करने की सलाहियत है उसे ख़त्म कर देता है इरिवर्सिबल इनहिबिटर। तो इरिवर्सिबल इनहिबिटर जो है ये केमिकल रिएक्शन को स्लो करता है। कैसे स्लो करेगा? ये एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक करेगा। जब एंजाइम की एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाएगी तो आपको पता है, जिस तरह आपको पहले बता दिया कि सब्सट्रेट जो है एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अब देखना ये कि ये एक्टिव साइट को ब्लॉक कैसे करता है। ये एक्टिव साइट को ब्लॉक करेगा, कैसे ब्लॉक करेगा? या तो ये क्या करता है कि फिजिकली, अगर इरिवर्सिबल इनहिबिटर जो है, ठीक है, एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ फिजिकली अटैच हुआ है तो उसके अलग होने के जो चांसेस हैं वो हैं अभी भी। लेकिन अगर इरिवर्सिबल इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक करता है और उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा तो फिर इरिवर्सिबल इनहिबिटर के एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जो बंधन बन गए हैं या कहने के जो बॉन्ड बन गया है या कहने के जो अटैचमेंट बन गई है वो परमानेंट है। अब उसे कोई भी एक्टिव साइट से अलग नहीं कर सकता। तो फिर दोबारा से देख लेते हैं कि जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर है ये ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि केमिकल रिएक्शन को स्लो करेगा। लेकिन कैसे स्लो करेगा? ये एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसे ब्लॉक कर देता है। कैसे ब्लॉक करता है? जिस तरह से ब्लॉक करेगा कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है अगर उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है तो उसका ये मतलब कि इरिवर्सिबल इनहिबिटर की एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जो अटैचमेंट रहेगी वो परमानेंट रहेगी, जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिव साइट की सब्सट्रेट को पकड़ के प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करने की जो सलाहियत है वो परमानेंटली क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। लेकिन कई दफ़ा इस तरह से भी होता है कि जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर है वो बाद दफ़ा फिजिकली सिर्फ बॉन्ड बनाते हैं, फिजिकली अटैचमेंट बनाते हैं एक्टिव साइट के साथ,
उसके बाद देखेंगे जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं, ये जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं ये एंजाइम के ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को खराब नहीं करते हैं, बल्कि इनका जो टारगेट होता है ज़्यादातर, इनका इरिवर्सिबल इनहिबिटर का जो ज़्यादातर टारगेट होता है वो क्या होता है, एक्टिव साइट होता है। उसके बाद देखेंगे जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं, रिवर्सिबल से क्या मुराद है, किसी चीज़ को रिवर्स किया जा सकता है, कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड हुए है लेकिन उसकी जो अटैचमेंट है उसे दोबारा से ख़त्म किया जा सकता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, रिवर्सिबल इनहिबिटर बोल देते हैं। तो जो रिवर्सिबल इनहिबिटर हैं ये एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ वीक लिंकेज बनाते हैं, ये एंजाइम के साथ वीक लिंकेज बनाते हैं और इस वीक लिंकेज को तोड़ा जा सकता है और एंजाइम की जो सब्सट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करने की जो सलाहियत है उसे दोबारा से बहाल किया जा सकता है। इस केस में रिवर्सिबल इनहिबिटर के केस में कैसे, सपोज कर लें कि यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं इनके इफेक्ट को ऑफसेट किया जा सकता है, यानी कैंसल आउट किया जा सकता है। कैसे, वो इस तरह से आप करेंगे कि आप जो है सब्सट्रेट की कंसनट्रेशन को बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, आप अपने सिस्टम के अंदर जिसके अंदर आपने एंजाइम डाले हुए हैं या केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर आपने एंजाइम डाले हुए हैं, अगर वहाँ पे रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं तो आप ये चाहते हैं कि रिवर्सिबल इनहिबिटर का जो इफेक्ट है उसे कैंसिल किया जाए, ऑफसेट किया जाए, तो आप सिंपली क्या करेंगे, सब्सट्रेट की तादाद बढ़ा देंगे उस केमिकल रिएक्शन के अंदर। अब देखें जैसे ही सब्सट्रेट की तादाद बढ़ेगी, तो ये सब्सट्रेट की ज़्यादा तादाद कम तादाद जो है रिवर्सिबल इनहिबिटर की इसके साथ कम्पीट करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो सब्सट्रेट हैं उनके जो चांसेस हैं एक्टिव साइट के साथ बाइंड होने के बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा सब्सट्रेट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो पाएंगे। अब अगर इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें हम इस केस की, तो ये है कि ये आपके पास देखें कि ये आपके पास है एक एंजाइम और ये इसकी एक्टिव साइट, और ये आपके पास क्या पड़े हुए हैं जो मैंने स्मॉल साइज में बनाए हैं, ये हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, और ये आपके पास क्या हैं, ये आपके पास हैं सब्सट्रेट्स। देखें आप सब्सट्रेट्स की तादाद क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप सब्सट्रेट की तादाद बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप क्या करेंगे सब्सट्रेट की तादाद बढ़ाते जाएंगे, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जब सब्सट्रेट होंगे और रिवर्सिबल इनहिबिटर कम होंगे तो फिर आप देख लें कि सब्सट्रेट के जो चांसेस हैं इस एक्टिव साइट के साथ बाइंड होने के बढ़ जाएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बन पाएंगे। ठीक हो गया, इस तरीके से हम जो रिवर्सिबल इनहिबिटर हैं उनके इफेक्ट को कैंसिल कर सकते हैं कम्प्लीटली या पार्शली, इस तरह से सब्सट्रेट की तादाद को बढ़ा के। अल्लाह हाफिज़।